पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मेरा नाम कीर्ति भाटिया, कैनरा बैंक से। ये दो दिवसीय हड़ताल 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो रही है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जब सरकारी बैंक आपकी सारी योजनाओं को सही तरीके से लाभान्वित करते हैं जनता को, दूसरी चीज़ हम लोग ना ही सिर्फ आम जनता तक सारी सुविधाएँ पहुँचाते हैं, जबकि हम हर जो प्राइवेट बैंक सारे काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स को अच्छी सुविधा देना, आम जनता को एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन, हर तरीके की सुविधा हम पब्लिक को दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में एक आम आदमी अपना खाता नहीं खुलवा सकता। जिस बंदे की तनख्वाह ही 10-15 हज़ार होती है, वो प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस कैसे मेंटेन करेगा? हमारे सरकारी बैंकों में तो जीरो बैलेंस खाते खुलते हैं, 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस पे हम ग्राहक को चेकबुक, एटीएम सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हम जब सारी सुविधाएं दे रहे हैं जनता को, तो सरकार ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अब हम सरकारी के जैसे तो काम नहीं करते। हमारी शाखाओं में चाहे वो फीमेल स्टाफ हो चाहे मेल स्टाफ, 7-7, 8-8 बजे तक काम करते हैं। हम सारे ही टारगेट्स पूरे करते हैं अपने मैनेजमेंट के, बैंकों के। हम म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, साथ ही हम लोन भी दे रहे हैं। हम सारे ही काम कर रहे हैं जो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं, और हम मुनाफे में भी हैं। तो फिर सरकार ये प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है? वास्तव में तो सरकार जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो लाभ है ना, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बाकी जो लॉसेज होते हैं जिन सेक्टर्स में, उनका वो नेशनलाइजेशन कर रही है। आप यस बैंक को देख लीजिए, जब वो डूबा तो उसको SBI को दे दिया गया। जब IDBI बैंक डूबा तो उसे LIC को दे दिया गया, उसे तो किसी प्राइवेट संस्था ने नहीं लिया। तो जब ये सरकारी बैंक प्राइवेट मुनाफा कमा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्यों प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं? क्यों ये देश की संपत्ति, देश का पैसा प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहते हैं? मेरी बस सरकार से यही एक गुजारिश है कि वह अपने फैसले पर दोबारा सोचें। जब वो सबका साथ सबका विकास लेकर के नारा आगे आ रहे हैं, तो फिर ये क्यों जनता के साथ धोखा कर रहे हैं? अगला कदम, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी जा सकते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ हमारी रोजी रोटी की नहीं है, आज हम सबके लिए लड़ रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम सारे लोग, हम लोग एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं यहाँ पे। हम सबका ही किसी अच्छी MNCs में, मोस्टली जितने भी बैंकर्स आज आ रहे हैं वो BTech हैं, MBAs हैं, बट हम सब ने एक गवर्नमेंट सेक्टर को चुना कि हम पब्लिक को अच्छी सुविधाएँ दे सकें, साथ ही हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी है। बट आज सरकार हमारी नौकरी पर छीनने पर आ गई है। हम अपनी नौकरी तो नहीं छीनने देंगे, हम कहाँ जाएंगे अपने परिवार के साथ? तो हम सड़कों पे उतरेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक शुरुआत है। मेरा नाम नयन मेहता है, मैं मुरादाबाद से ही हूँ, कैनरा बैंक से। और मैं सबसे पहले जनता को और सरकार ये बताना चाहूँगी कि ये जो 16-17 दिसंबर की 2 दिन की स्ट्राइक हमने की है, ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ की है। जो सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, हम उसके खिलाफ हैं। और आम जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि और सरकारी कार्यालयों की तरह हमारी स्ट्राइक में हमारा पैसा भी कटता है, 2 दिन का वेतन हमारा कटता है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी जो बैंक सारे, जो सरकार सारे काम करवाना चाहती है, चाहे वो MSME लोन हो, एग्रीकल्चर लोन हो, या जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और जितने भी टारगेट आते हैं, जनधन के खाते हमने खोले, अगर वो सारा काम सरकारी बैंकों से ही कराना चाहते हैं, तो फिर इनका निजीकरण क्यों करना चाहते हैं? अगर वो ये सब काम निजी बैंकों से भी करा सकते हैं, तो फिर हमें निजीकरण में क्यों ला रहे हैं? चाहे तो अपना काम येस बैंक, एक्सिस बैंक और इन सब से भी करा सकते हैं, लेकिन जितनी भी जनधन के खाते हुए या और भी जो भी सरकार, आम आदमी की सारी योजनाएँ होती हैं, वो तो सब ये हमारे सरकारी बैंकों से ही कराते हैं। बाकी निजीकरण के हम खिलाफ हैं। और अगर ये अभी सरकार ने अगर ये फैसला अपना वापस नहीं लिया, या अमेंडमेंट बिल अपना वापस नहीं लेती है 2021 वाला, तो हम इसके बाद अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं, हड़ताल पर भी जा सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।